जी अस्सलाम वालेकुम कैफेट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 107 और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं तीन कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें हम ये सीखेंगे कि इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर्स में कितनी तरह के मैक्सिमम कितनी तरह के क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। फिर एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, 100% थ्योरेटिकल कंसेप्ट के मेथड्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है। ये छोटा सा कंसेप्ट है, मैंने कहा चले ये भी लेक्चर में हम कवर कर लेते हैं। और उसके बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे कैश और फिक्स एसेट्स सिस्टम की केस स्टडी से रिलेटेड। तो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मेथड्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और तीसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस से कि एग्जाम में वो इस चैप्टर में से कितनी तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछ सकता है। देखिए, जैसे ही एग्जामिनर ने डिसाइड किया कि मैंने चैप्टर 12 में से इंटरनल कंट्रोल में से क्वेश्चन पूछना है, अगला डिसीजन उसका ये होगा कि मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछूं या केस स्टडी। तो ज्यादा चांस क्या है, वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दो तरह के, एक थ्योरेटिकल, दूसरा केस स्टडी। अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है तो वो डिसाइड करेगा सेल सिस्टम का क्वेश्चन टेस्ट करूं, परचेज का करूं, पेरोल का, कैश एंड बैंक का, या इन्वेंट्री एंड फिक्स एसेट्स का। ज्यादातर वो सेल्स, परचेज और इन्वेंट्री, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन बहरहाल बाकी के सिस्टम में से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। डिसाइड कर लिया उसने मैंने परचेज सिस्टम में से क्वेश्चन पूछना है, नेक्स्ट या तो वो केस स्टडी जब परचेज सिस्टम आपको देगा या तो वो वीकनेस के ऊपर बेस कर रहा होगा, उसमें वीकनेसेस होंगी या स्ट्रेंथ होगी, आपने रिक्वायर या दोनों होंगी, आपने रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ना है। नॉर्मली क्वेश्चन में स्ट्रेंथ भी होती है, वीकनेसेस भी होती हैं, रिक्वायरमेंट बताती हैं कि हमने क्या पिक करना है। अगर रिक्वायरमेंट में हो कि वीकनेसेस आइडेंटिफाई करें, तो आपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है, स्ट्रेंथ वाले पॉइंट्स को इग्नोर कर देना है। रिक्वायरमेंट में हो कि स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट हो, तो आपने वीकनेसेस को इग्नोर कर देना है। अगर वीकनेसेस आपसे आइडेंटिफाई करवा रहा है, तो वीकनेस आइडेंटिफाई करवाने के बाद आपसे कहेगा मुझे इम्प्लीकेशन बताओ इस वीकनेस की क्या है और रिकमेंडेशन दो। और अगर स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्रोल पे क्वेश्चन बेस कर रहा होगा, तो आपसे उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि मुझे बताओ इसमें गुड कंट्रोल्स क्या हैं और इनके टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या परफॉर्म करोगे आप। यानी वीकनेसेस में वो इम्प्लीकेशन और रिकमेंडेशन पूछता है, और जब स्ट्रॉन्ग कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चन बेस कर रहा हो तो वो क्या पूछेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पूछेगा। ठीक है, आज के लेक्चर में आपको सिखाया ना कंट्रोल से टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाना, तो वो आपके इस केस स्टडी में भी काम आएगा। क्लियर, ये तो तब की बात है अगर वो केस स्टडी पूछे। लेकिन फर्ज कीजिए अगर वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछता है, तो उसके पास तीन ऑप्शंस हैं। वो या तो किसी भी सिस्टम, सेल्स हो या परचेज हो या पेरोल, आपसे या तो ऑब्जेक्टिव्स पूछेगा उसके, या पूछेगा एक्टिविटीज, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव पूछेगा, या पूछेगा कंट्रोल एक्टिविटीज, या पूछेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल। थ्योरेटिकल में से क्या पूछेगा, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल एक्टिविटी या टेस्ट ऑफ कंट्रोल। आपने याद करना है सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल एक्टिविटीज को, हर सिस्टम में सिर्फ कंट्रोल एक्टिविटीज को। कंट्रोल एक्टिविटीज ही आपकी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। फर्क सिर्फ यह है कि कंट्रोल ऑब्जेक्टिव में जनरल वर्डिंग में हम सेंटेंस बना रहे होते हैं और इसमें नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स वगैरह का जिक्र नहीं करते, जबकि कंट्रोल एक्टिविटी को डिस्कस करते हुए हम डॉक्यूमेंट्स को भी इंक्लूड करते हैं। अगर आपको कंट्रोल एक्टिविटीज याद हैं, तो आप इन कंट्रोल एक्टिविटीज से ही कंट्रोल ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं जनरल लैंग्वेज को यूज करते हुए। दो तीन दफा पढ़ेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, वैसे नॉर्मली कंट्रोल ऑब्जेक्टिव पूछता नहीं है, लेकिन अगर कभी पूछ ले
आपको अलहदा से याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, अलहदा से याद है बहुत अच्छी बात, अलहदा से याद नहीं है कोई इशू नहीं है, कंट्रोल एक्टिविटी से ही कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, और इसी तरह कंट्रोल एक्टिविटी से ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल बन जाएंगे। कंट्रोल एक्टिविटी से टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे बनेंगे, वो डिपेंड करता है कंट्रोल के ऊपर। अगर तो कंट्रोल का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एग्जिस्ट करता है, आप उसका सैंपल सेट करेंगे, उसकी इंस्पेक्शन करें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी ऑब्जर्वेशन कर लें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। अगर आईटी सिस्टम पे बेस करा कंट्रोल, तो टेस्ट डाटा, जिसे डमी डाटा भी कहते हैं, टेस्ट डाटा या डमी डाटा अप्रोच के जरिए से कंट्रोल को टेस्ट कर लेंगे। सिंपल ये हमारे, हाँ समटाइम कहता है कंट्रोल्स रिस्क बताओ, सेल सिस्टम के कंट्रोल रिस्क बताओ। तो याद रखिएगा, कंट्रोल रिस्क का मतलब कंट्रोल वीकनेस। तो कंट्रोल एक्टिविटीज का ना होना कंट्रोल रिस्क है, यानी आप कंट्रोल एक्टिविटीज को ही नॉट के साथ लिख दे, वो कंट्रोल रिस्क बन जाएगा। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमने हर सिस्टम में सिर्फ कंट्रोल एक्टिविटी को याद किया, हमने हर सिस्टम में कंट्रोल एक्टिविटी को पढ़ा, और फिर इसी कंट्रोल एक्टिविटी से आप कंट्रोल रिस्क भी बना सकते हैं, उल्टा के, नॉट करके, नेगेटिव लैंग्वेज यूज करके। इसी कंट्रोल एक्टिविटी से टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कंट्रोल किस किस्म का है, और इसी कंट्रोल एक्टिविटी से कंट्रोल ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। कंट्रोल एक्टिविटी को ही जनरल लैंग्वेज में यूज कर लें, वो आपका कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। क्लियर? ये मैक्सिमम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह कंफर्म है गारंटी के साथ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। ठीक है, तो ये तैयार कर लेंगे क्वेश्चन इसी तरीके से। आपको पता हो ना, पहले से पता हो ना क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, तो बंदा पहले से तैयार होता है, सामने क्वेश्चन आते हो, ओहो ये तो हमने प्रैक्टिस किया हुआ, ये तो हमें पता है इसी तरीके से क्वेश्चन पूछना था, जरा कॉन्फिडेंस मिल जाता। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्लियर? आप जाके घर जाके मैच कर लीजिए, वॉल्यूम वन के जितने भी क्वेश्चंस हैं, वॉल्यूम टू के जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे, यही चीजें पूछ रहा हूँ। क्या इस चैप्टर में से कंफर्म क्वेश्चन आना है? कंफर्म क्वेश्चन तो नहीं आना, कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हाईली प्रोबेबल है, हाईली प्रोबेबल है कि वो इस एंड में पूछ सकता है इस चैप्टर में से क्वेश्चन, हाईली प्रोबेबल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम अब कवर करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ये हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कवर कर लिया, कितने तरह के क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, मेथड्स ऑफ डॉक्यूमेंट। देखिए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, क्या इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करना रिक्वायर्ड है? Yes. सोच के बताइए, क्या इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करना रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड है, यस। रिस्क असेसमेंट के लिए जरूरी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जरूरी है। अच्छा, जो भी प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड किया, सेल सिस्टम को किया, परचेज सिस्टम को किया, पेरोल को किया, कैश एंड बैंक को, इन्वेंटरी एंड फिक्स्ड एसेट्स को, अल्लाह अल्लाह करके सारे सिस्टम खत्म हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अब इन सिस्टम्स को डॉक्यूमेंट करना चाहिए हमें? जो भी अंडरस्टैंडिंग हमने ऑब्टेन की, चाहे कंट्रोल वीक थे चाहे कंट्रोल स्ट्रॉन्ग थे, जो अभी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की, क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए? डॉक्यूमेंट करना चाहिए। कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे? तीन तरीके हैं। कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे? तीन तरीके हैं। या तो इंग्लिश की शक्ल में कर लें, इंग्लिश में, या कर लें आप मैथ में, या ड्राइंग की शक्ल में। इंग्लिश में किसी भी तरीके से कर लें। तीन तरीके हैं, सिर्फ तीन। एक तरीका है नरेटिव नोट, एक तरीका क्वेश्चन है, एक तरीका फ्लो चार्ट। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, किस मेथड से करें आपकी मर्जी,
कितने मेथड है? तीन। कौन कौन से? नरेटिव नोट्स, क्वेश्चनेयर, फ्लो चार्ट। नरेटिव नोट्स, क्वेश्चनेयर, फ्लो चार्ट। नरेटिव नोट्स में क्या, जरा सुनिएगा, नरेटिव नोट्स में कैसे कहानी शुरू, जैसे कोई ऐसे होता है, जैसे अखबार की स्टोरी होती है, जैसे कोई कहानी होती है। सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में सबसे पहले कस्टमर आया, ये देखा गया कि कस्टमर नया है कि पुराना है। अगर नया कस्टमर है तो इसकी क्रेडिट लिमिट सेट करने के लिए हमने इसको क्रेडिट डिपार्टमेंट में भेज दिया। अगर पुराना कस्टमर है, अगर पुराना कस्टमर है तो देखा इसका ऑर्डर एक्सेप्ट करने से क्रेडिट लिमिट से एक्सीड कर रहा है कि नहीं, कर रहा है तो इसको रिजेक्ट कर दिया, अगर नहीं कर रहा तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरीके से सिस्टम आगे चल रहा है। और इसके बाद हमने जब इसको एक्सेप्ट कर लिया, सेल्स ऑर्डर भेज दिया अगले डिपार्टमेंट में। अगला डिपार्टमेंट कौन सा है? वो है गुड्स डिस्पैच डिपार्टमेंट। गुड डिस्पैच डिपार्टमेंट ने देखा आज के दिन हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्पैच करनी है, उसने चीज़ों को डिस्पैच किया। और फिर डिस्पैच करने से पहले उसने उसको रीचेक किया। रीचेक करने के बाद चीज़ों को साइन गुड डिस्पैच नोट पे साइन करके भेज दिया कस्टमर को। और फिर डॉक्यूमेंट्स किसको भिजवा दिए? गुड डिस्पैच नोट। आगे हाँ, एक्नॉलेजमेंट। लेकिन ये तो मैंने लिखा ही नहीं एक्नॉलेज, ये नोट कीजिएगा, मैंने एक्नॉलेजमेंट का नहीं लिखा पॉइंट। कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए था। इसके बाद इन्वॉइसिंग डिपार्टमेंट है, इन्वॉइसिंग डिपार्टमेंट ने इन्वॉइस प्रिपेयर की। उसने क्वांटिटी उठाई कहाँ से? सेल्स ऑर्डर से। उसने रेट क्वांटिटी कहाँ से उठाई? गुड डिस्पैच नोट। रेट कहाँ से उठाया? सेल्स इन्वॉइस से। और फिर इनवाइस बना दी, उस इनवाइस को किसी ने रीचेक नहीं किया। और फिर वो इनवाइस आगे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पहुंच गई, जिसने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया भाई। ये सारी चीजें मैं अगर इंग्लिश वाम में लीजिए क्या कहते हैं? नरेटिव नोट्स। ये है नरेटिव नोट्स। अच्छा, नरेटिव नोट्स में सिस्टम, आपने जितनी भी केस स्टडीज पढ़ी सारी की सारी नरेटिव नोट्स में थे। नरेटिव नोट्स के कुछ प्लस पॉइंट्स है, कुछ माइनस पॉइंट है। नरेटिव नोट्स का मतलब क्या है? रिटन डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन फॉर्म में, इंग्लिश की शक्ल में सिस्टम को डॉक्यूमेंट किया गया हो। इसका फायदा क्या है? सिंपल एंड इजी टू प्रिपेयर। इनको प्रिपेयर करना आसान है। नोट प्रिपेयर किए या माइकाओ का ऐसे लिखा एक बराबर है, वैसे उसी स्टाइल में लिखते, उसी स्टाइल में लिखते। और ये सबके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल भी है, क्यों? इंग्लिश पढ़नी तकरीबन सबको आती है, लिखनी भी सबको आती है, पढ़नी भी सबको आती है। ये प्रिपेयर करने में भी आसान, रीड करने में, अंडरस्टैंड करने भी आसान। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस है क्या? लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग है। पैराग्राफ बनाते बनाते इंग्लिश लिख लेते बाद को हाथ थक जाते हैं। और डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई मिसिंग कंट्रोल। इसमें अगर कोई कंट्रोल मिसिंग हो वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। जैसे क्वेश्चन में उसने आपको बताया इन्वेंट्री स्टॉक काउंट कर रहे हैं और आपने क्वांटिटी को मैच किया स्टॉक शीट के साथ, बस इतना। हाँ, क्वेश्चन में और कोई जिक्र नहीं है तो आप क्वालिटी का पॉइंट हो सकता है मिस कर जाए। परचेज सिस्टम में उसने कहा जब गुड्स रिसीव हो रही हैं तो गुड्स रिसीव हो रही हैं उनकी क्वांटिटी को चेक किया जा रहा है। आगे कुछ नहीं बताया, इसका मतलब क्या है? रिस्क है, क्वालिटी को आप मिस कर सकते हैं। तो अगर सिस्टम डिस्कशन कर रहा है तो वो अच्छी अच्छी बातें सारी बता रहा होगा, और जहां पे कंट्रोल वीक है उनमें नॉर्मली ये नहीं कहेगा कि कंट्रोल वीक है, बल्कि साइलेंट रहेगा। और उसको आइडेंटिफाई करना आपके लिए समटाइम मुश्किल हो जाता है, जैसे आईकैप के क्वेश्चन में होता है मिस। भाई ठीक है ना, ये है सिस्टम हमारा नरेटिव नोट्स का। एक दूसरा भी सिस्टम है, क्वेश्चनेयर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कंट्रोल्स को डॉक्यूमेंट करने का मकसद क्या भला? ये कंक्लूड करना कि सिस्टम कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। अच्छा, अब सुनिए, सेल्स सिस्टम को डॉक्यूमेंट किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट करने का तरीका क्या? क्वेश्चनेयर की शक्ल में। क्वेश्चनेयर कैसे? पहला क्वेश्चन, इज क्रेडिट लिमिट चेक्ड बिफोर अप्रूविंग सेल्स ऑर्डर? आगे यस या नो है। इज क्रेडिट लिमिट सेट फॉर एवरी कस्टमर, एवरी न्यू कस्टमर? आगे यस या नो। और कस्टमर एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड फॉर एवरी गुड्स डिस्पैच?
आ गई आसान। एंड रिकंसिलिएशन प्रिपेयर्ड बिटवीन डेटर्स कंट्रोल अकाउंट एंड सब्सिडरी लेजर, आ गई आसान। आर अकाउंट स्टेटमेंट सेंड टू कस्टमर्स ऑन मंथली बेसिस, आ गई यस या नो। यानी जो कंट्रोल्स है उसको लिख दिया गया यस या नो। यस है तो इसका मतलब क्या है? कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। नो है तो अब बताइए इसमें वो लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग रहा? और आपके लिए वीकनेसेस आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो गया जो पहले डिफिकल्ट था। कैसे आसान हो गया? भाई जो सारे यस है वो कंट्रोल स्ट्रॉन्ग और जो नो है वो वीक है, वो वीक है। लेकिन इसमें एक मसला भी होता है। क्या? वैसा ही मसला जैसे जब टीचर्स का फीडबैक होता है, पहुंच गए टिक 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 टिक, सब कुछ यस, सब ठीक है, सब ठीक है। तो क्लाइंट से पूछे ये सारा कुछ हो रहा है सर? जी सर बिल्कुल हो रहा है, यस यस। क्लाइंट में ओवरस्टेट कंट्रोल्स, कैसे ओवरस्टेट करेगा? सब कुछ यस करके, यस करके। तो क्वेश्चन क्या है? लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इस शक्ल में भी डॉक्यूमेंट किया जा सकता है। इसके फायदे क्या है? क्विक टू प्रिपेयर, बड़ी आसानी से प्रिपेयर हो सकता है। इसकी निस्बत क्विक है ना, इधर टाइम, इधर पूरा पैरा लिखना पड़ेगा। इसमें डेफिशिएंसी या मिसिंग कंट्रोल्स आर इजी टू आइडेंटिफाई, कैसे? यस नो से। डिसएडवांटेज क्या है? क्लाइंट में ओवरस्टेट कंट्रोल, यस यस करके, और स्टैंडर्ड लिस्ट में मिस अनयूजुअल कंट्रोल्स। यानी अगर आप एक ही लिस्ट हर क्लाइंट पे यूज करें तो चूंकि हर क्लाइंट का सिस्टम दूसरे से डिफरेंट हो सकता है, तो हो सकता है वो उसका जो डिफरेंट सिस्टम है उसको हमारी लिस्ट के क्वेश्चंस कवर ना कर रहे हो, उसको स्किप। हमारा पहला कंट्रोल था, पहला क्लाइंट था, वो क्रेडिट सेल्स करता था सिर्फ, हमने उसके हिसाब से क्वेश्चनेयर बना लिया। अब अगले क्लाइंट पे गए और वही क्वेश्चनेयर यूज कर रहे हैं, लेकिन दूसरा क्रेडिट कैश दोनों कर रहा है। तो हमारी स्टैंडर्ड लिस्ट में मिस कंट्रोल्स ओवर कैश, जो अनयूजुअल होगा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। नेगेटिव नोट्स भी हो गया क्वेश्चनेयर में। तीसरा है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है भाई? देखें, अच्छा एक चीज मुझे बताइए, ये आपके सामने भी कंसेप्ट लिखा हुआ है, उधर भी कंसेप्ट है कोई फर्क? कंसेप्ट तो वही है, पर सिर्फ क्या, हाँ वो लाइने शाने लगा के लगाया है, दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है, है? ये है फ्लो, रफ सा कह रहा हूं, असल में ये नहीं है फ्लो चार्ट, रफ सा ये फ्लो चार्ट है। समराइज लॉजिकल सीक्वेंस है कंसेप्ट के दरमियान में, पता चल रहा है कौन सा कंसेप्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो तीसरा तरीका है फ्लो चार्ट। पहले हमारे सिलेबस में फ्लो चार्ट ड्रॉ करना भी होता था, अब नहीं, जिसमें हम डिफरेंट सिंबल्स यूज करते थे, अब नहीं, अब सिर्फ कंसेप्ट है। आपने कभी फ्लो चार्ट वैसे देखा है? कहां देखा? मैट्रिक में देखा था, हाँ माइंड मैप्स वगैरह, वो भी बिल्कुल इससे कह सकते हैं, एक भी माइंड मैप कभी देखा जिंदगी? और वही तो फ्लो चार्ट है, और सिंबल यूज नहीं होते, कभी डब्बे होते हैं, कभी चकोर से, कभी लाइनें, हाँ कभी 3D, कभी 2D, कभी वर्टिकल, कभी हॉरिजेंटल, कभी इस कलर के, कभी उस कलर, ये फ्लो चार्ट ही है। फ्लो चार्ट का फायदा क्या होता है? फ्लो चार्ट का इसमें स्टैंडर्ड, लेकिन याद रखिए आपको जो फ्लो चार्ट बना के हम देते हैं, माइंड मैप बना के देते हैं, उसमें स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल यूज नहीं होते, वो हमारी मर्जी होती है, जो मर्जी सिंबल यूज कर ले। असल में जो सॉफ्टवेयर, ये फ्लो चार्ट बनाने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, वो स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल यूज करते हैं। ये बेसिकली क्या है, इसके पीछे, फ्लो चार्ट के पीछे कंसेप्ट ये है कि वो आइडिया ये देते हैं, कहते हैं इस, आपने शायद बिजनेस कम्युनिकेशन में ये सेंटेंस पढ़ा हो, ए सिंगल पिक्चर शोज थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, ये आइडिया। वो कहते हैं ये लंबी चौड़ी कहानियां लिखने की बजाय, या ये क्वेश्चनेयर की बजाय, आप एक डायग्राम की शक्ल में प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर दें सिस्टम को,
देखते ही एक नजर में पता चल जाएगा कि कहां से कौन सी डॉक्यूमेंट जनरेट होके किस जगह पे ट्रेवल कर रही है, ठीक है। लेकिन इसमें सिंबल स्टैंडर्डाइज होना जरूरी है, क्यों? ताकि एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट पे जब हम जाएं तो ऐसा ना हो कि एक क्लाइंट के सिंबल कुछ हो रहा है, दूसरे के सिंबल कुछ हो रहा है। स्टैंडर्डाइज जिस तरह ऑडिट रिपोर्ट की स्टैंडर्डाइजेशन है ना, एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट में ओवरऑल फॉर्मेट सेम रहता है, टाइप्स ऑफ ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है लेकिन ओवरऑल फॉर्मेट सेम रहता है, पैराग्राफ की अरेंजमेंट, पैराग्राफ की वर्डिंग एक जैसी है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, यानी इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम यूजिंग स्टैंडर्डाइज सिंबल यूज करना, सिस्टम को डिस्क्राइब करना कैसे, इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम यूजिंग स्टैंडर्डाइज सिंबल्स, ये है फ्लो चार्ट। फायदे क्या है, इंटायर सिस्टम इन वन व्यू, देखते ही सारे का सारा सिस्टम एक नजर में आपके सामने, इंफॉर्मेशन लॉजिकल सीक्वेंस में प्रेजेंट की जाती है, ऐसे यहां से ये सेल्स ऑर्डर ये इस जगह पे जा रहा है और फिर उसके बाद यहां से ट्रेवलिंग कर रहा है, एरोस के जरिए से एक स्टेप को दूसरे स्टेप के साथ लिंक किया जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, रिक्वायर हर बंदा फ्लो चार्ट, हर बंदा ये नोट्स बना सकता है, नरेटिव नोट्स, हर बंदा फ्लो चार्ट, इसके लिए सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना सीखना पड़ता है और इसको अमेंड करना भी डिफिकल्ट होता है क्योंकि सारे स्टेप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं ना सिंबल्स, एक सिंबल को दरमियान में डिलीट कर देंगे ना, सारे का सारा फ्लो चार्ट डिस्टर्ब हो जाता है, सारा एक स्टेप पीछे आ जाता है, इसको अमेंड करना डिफिकल्ट। बहरहाल तीन मेथड है, स्टैंडर्ड कौन सा रिक्वायर करता है भला, कहता कौन जोन सा, कहता डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, सिस्टम जो मर्जी यूज कर ले, मेथड जो मर्जी यूज कर ले। तो कितने मेथड है हमारे पास, तीन मेथड, नैरेटिव नोट्स, क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट। कॉमनली कौन सा यूज होता है, कॉमनली गैस कीजिए, ठीक है। हमारी टीम होती थी ना उसमें एक बंदा होता था जिसकी आईटी स्किल ज्यादा स्ट्रांग होती थी, सिर्फ वो अपने सिस्टम में जो बनाया करता था ना तो नैरेटिव ये फ्लो चार्ट के जरिए बनाया करता था, बाकी सारी टीम नैरेटिव नोट्स के जरिए से सिस्टम को डॉक्यूमेंट करती थी, पार्टनर रिव्यू सबका कर लेता था, लेकिन जब उसका पेज सामने आता ना हम खुद देख के अश्श कर उठते थे, काम उसने डेढ़ दो घंटे किया होता था, हम सात आठ घंटे लगा के सिस्टम डॉक्यूमेंट करते, लेकिन जब प्रिंट निकलता था ना उसका देख के हमें अपना सिस्टम और पसंद नहीं आता था। ये फर्क होता है टेक्नोलॉजी सीख ले, हैं दोनों एक्सेप्टेबल, लेकिन जहाँ पे फ्लो चार्ट बड़ा वो खुद आई कैचिंग होता है ना दिखने में अच्छा, नहीं नहीं वहां से नहीं स्टार्ट किया था बहरहाल। चलिए अच्छा तीनों क्लियर हो गए, नैरेटिव नोट्स, क्वेश्चन एंड फ्लो चार्ट। तो बताइए आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रैक्टिस में जाएंगे तो उनका इरादा है नैरेटिव नोट्स के जरिए से डॉक्यूमेंट करना, कितनों का ख्याल है क्वेश्चन अच्छा है, कितनों का ख्याल है फ्लो चार्ट, लेकिन इसमें पहली दफा मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, एक दफा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन ज्यादा पहली दफा, ठीक है। हाँ पहला महीना जो है ना आपको अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा, उसके बाद बाकी साढ़े तीन साल जिंदगी है साहब, एक ईयर में तीनों कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सेल सिस्टम इसके मुताबिक कर लें, परचेज इसके मुताबिक, पेरोल इसके मुताबिक चलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड रिक्वायर नहीं करता, कहता डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है, मेथड जो सा मर्जी यूज कर लो। अब आगे चलते हैं, अब देखिए ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या ये याद है क्या प्रॉब्लम है, नो कोई इसका एक तरीका है, इसका एक तरीका, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं आपके सामने दो क्वेश्चन रखने लगा हूं, आपने मुझे बताया हैं दोनों क्वेश्चन, मजे की बात होंगे दोनों क्वेश्चन, लेकिन एक में कंट्रोल्स को ओवरस्टेट कर सकते हैं, दूसरे में कंट्रोल्स को ओवरस्टेट नहीं, जरा फर्क ढूंढिएगा जरा। पहला, आर क्रेडिट लिमिट्स चेक बिफोर अप्रूविंग सेल्स ऑर्डर, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा, हाउ डू यू इंश्योर दैट गुड्स आर नॉट सोल्ड टू पुअर कस्टमर्स, या गुड्स आर नॉट सोल्ड टू कस्टमर हु आर अनेबल टू पे, हाउ डू यू इंश्योर दैट गुड्स आर नॉट सोल्ड टू कस्टमर हु आर अनेबल टू पे, बाय सेटिंग क्रेडिट लिमिट।
इसमें नोट कीजिए, इसमें आप यस नो नहीं कर सके, इसमें आपको कंट्रोल खुद बताना पड़ा है। हाँ, पॉजिटिव कंफर्मेशन नेगेटिव। तो है दोनों क्वेश्चन है, इसका मतलब है क्वेश्चन एयर की फर्दर दो टाइप्स है, क्वेश्चन एयर की फर्दर दो टाइप्स है। एक को कहते हैं आईसीक्यू इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन एयर, दूसरे को कहते हैं आईसीईक्यू इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएशन क्वेश्चन एयर। फर्क क्या दोनों में? इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन एयर में यह बताया जाता है वेदर आर नॉट स्पेसिफिक कंट्रोल एग्जिस्ट, कि स्पेसिफिक कंट्रोल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर आंसर यस में है कंट्रोल, अगर आंसर नो में है भी कंट्रोल। जैसे आर क्रेडिट लिमिट्स चेक्स बिफोर अप्रूवल ऑफ सेल्स ऑर्डर, यस कंट्रोल गुड, नो है तो आर परचेज इनवॉइसेस कंपेयर्ड विद जीआरएन बिफोर रिकॉर्डिंग, कहीं ऐसा तो नहीं गुड्स आई नहीं है लाइबिलिटी पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, यस नो। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे हम लिख लें, इधर क्या है आर क्रेडिट लिमिट्स चेक बिफोर अप्रूवल ऑफ सेल्स ऑर्डर, इसी कंट्रोल के से रिलेटेड क्वेश्चन अब क्या हो गया, हाउ डू यू इंश्योर दैट गुड्स सोल्ड ओनली टू कस्टमर हु आर एबल टू पे, उसी से रिलेट कर रहा है। अब इसमें क्लाइंट कंट्रोल को ओवरशेड, उसे जवाब में वो बताना पड़ेगा जो कंट्रोल उन्होंने लगाया। इसमें कंट्रोल हम बताते हैं, क्लाइंट यस नो करता है। इसमें हम क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं कि क्लाइंट खुद से कंट्रोल बताए, ठीक है? क्या असाइनमेंट करके आए हैं? यस, ओवरस्टेट कर दिया ना। अब इसी का वो आज की असाइनमेंट में कौन कौन सा क्वेश्चन था, अब की होगी तो बता पाएगा, नहीं की होगी तो नहीं बता पाएगा। ये ही है क्वेश्चन को घुमा के इस तरीके से पूछना कि पता चल जाए क्लाइंट ने कंट्रोल एक्चुअली अप्लाई किए होंगे, कंट्रोल तो बताएगा ना। हाउ डू यू इंश्योर दैट पेबल इज रिकॉर्डेड ओनली फॉर गुड रिसीव्ड, कैसे इंश्योर करते हैं कि पेबल तभी रिकॉर्ड हो जब गुड रिसीव हो जाए? वो कहेगा सर परचेज इनवॉइस रिकॉर्ड करने से पहले जीआरएन चेक करते हैं कि चीजें आ गई हैं तो तभी पेबल रिकॉर्ड हो, वरना ना हो, ठीक है? बताइए आईसीक्यू और आईसीईक्यू में से बेहतर कौन सा है? अगेन वही, किसकी इजाजत होगी भला, जो मर्जी इस्तेमाल कर ले। हाँ फायदे, आईसीक्यू में शॉर्टर डॉक्यूमेंट है, कैसे भला? इसमें हमारा क्वेश्चन स्पेसिफिक हो, हमने खुद कंट्रोल नहीं बनाए होते, हम सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं क्लाइंट का। इसमें हमारा सवाल लंबा होता है, क्लाइंट का जवाब छोटा होता है। इसमें हमारा सवाल छोटा है, क्लाइंट का जवाब लंबा है, तो इसीलिए उसने शॉर्टर डॉक्यूमेंट का। अच्छा अजीब बात है, इधर कह रहा है एडवांटेजेस में शॉर्टर डॉक्यूमेंट है, इधर कह रहा है लेस प्रिसाइज है डिसएडवांटेजेस में, ये किस वजह से कह रहा है? शॉर्टर डॉक्यूमेंट कह रहा है ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑडिटर का क्वेश्चन शॉर्ट होता है, लेस प्रिसाइज का मतलब क्या है? हाँ क्लाइंट के पॉइंट, कि क्लाइंट का जवाब प्रिसाइज नहीं होगा, क्लाइंट लेंथी होगा। ये इजियर टू अप्लाई है, इसमें हमारी जान सुकून में, ये लेकिन एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपीरियंस चाहिए आंसर को वैल्यूएट करने के लिए। क्लाइंट जब लंबा चौड़ा आंसर देता है उसमें काम की बात निकालने, बाज़ औक़ात क्लाइंट डिट्रैक भी हो जाता है ना, जवाब देते हुए उससे पूछते हैं हाउ डू यू इंश्योर दैट लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड ओनली फॉर गुड्स रिसीव्ड, तो इसको एक्सप्लेन करते हुए सिस्टम को समटाइम वो ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता। ये बहरहाल हमारे सिस्टम थे, मेथड थे, किस चीज के मेथड? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कितने मेथड? कौन कौन से? नैरेटिव नोट्स, क्वेश्चनेयर, फ्लो चार्ट। क्वेश्चनेयर की दो टाइप्स आईसीक्यू आईसीईक्यू, दोनों के एक एक क्वेश्चन बता सकते हैं। हाँ किस में यस नो में आंसर आता है? आईसीक्यू में। शाबाश, चलिए। अच्छा एक आखिरी बस एक छोटा सा क्वेश्चन, दो तीन मिनट का और कंसेप्ट है। अगर आपके पास पिछले साल का इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन ईयर है, उसे इस साल यूज कर सकते हैं?
पिछले साल हमने इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया, उसे इस साल यूज कर सकते हैं? यही था, कर सकते हैं लेकिन चेंजेस करने के बाद, खत्म कंसेप्ट, यही था। लेकिन वो कहता है स्टेप बाय स्टेप इसको आंसर करें, एग्जाम में ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आ जाए आपको पता है फिर खींचना पड़ता है। कहता है स्टेप नंबर वन, फाइल में क्या स्टेप्स आप लेंगे प्रीवियस ईयर का इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन ईयर यूज करने से पहले? हमने कहा स्टेप नंबर वन, पिछले साल की फाइल से इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन निकाला। स्टेप नंबर टू, क्लाइंट से पूछा सर कोई सिस्टम चेंज तो नहीं हुआ? जो सिस्टम चेंज नहीं हुआ वो तो एज इट इज ओके हो गया। उसने कहा सेल्स चेंज नहीं हुआ, परचेज हुआ है। हमने कहा ये लो सेल्स का सिस्टम तो ओके हो गया, परचेज जिसका चेंज हुआ क्या करें? क्लाइंट से डॉक्यूमेंट मांगे, चेंज हुआ है तो सबूत दिखाओ, किसने साइन करके कहा था ये सिस्टम चेंज करो? डॉक्यूमेंट आ गया, अब क्या करें? चेक करें ऑन ग्राउंड, वॉक थ्रू टेस्ट कर लें, और वॉक थ्रू टेस्ट करने के बाद जब कंफर्म हो जाए बाकी सिस्टम चेंज हुआ हुआ है, अपने पास जो पिछले साल वाला ICQ था उसको अपडेट कर लें, खत्म। ये थे हमारे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। हमने तीन मेथड पढ़े, हर मेथड का एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ा, फिर इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर की दो टाइप्स पढ़ी, और फिर ये पढ़ा कि पिछले साल के इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर कैसे इस साल यूज कर सकते हैं। डन डन चैप्टर, अच्छा चैप्टर तकरीबन खत्म, क्योंकि दो कंसेप्ट जो रहते हैं वो हमने पहले पढ़े हुए हैं। नहीं पढ़ाने नहीं भाई, वो कल खत्म कराएंगे ना, कल खत्म कराएंगे ना। आपने पढ़ लिए हैं, आपको पता नहीं पढ़ लिए हैं, लेकिन मैंने अभी पढ़ाने नहीं, बस इतना काफी है, बाकी कल करिए ना। अगर आज ही खत्म कर लिया कल क्या पढ़ेंगे? अच्छा अब लेकिन एक चीज रह गई, क्या भला? केस स्टडी, शाबाश। तो केस स्टडी करें स्टार्ट, चलिए एक मिनट जी, पास कीजिएगा सर। चलिए अब आज के केस स्टडीज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम वन का क्वेश्चन 17A, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट से क्या पता चलता वाला हमें? किस चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन सा कंसेप्ट है? रिक्वायरमेंट पढ़ने से हमें पता चल जाता है, हम अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं भाई इस चैप्टर पे पहुंच जा और इस कंसेप्ट को रिफ्रेश कर दे मेरे माइंड में, अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन, और माइंड ऐसे करता भी है। फॉर कैश साइकिल ऑफ SHW, कैश साइकिल से पता चल गया इंटरनल कंट्रोल का क्वेश्चन है और कैश सिस्टम है। क्या कह रहे हैं? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन थ्री डेफिशिएंसी इन द सिस्टम, सिस्टम में तीन डेफिशिएंसी बताओ। सजेस्ट कंट्रोल्स टू एड्रेस ईच ऑफ दीज डेफिशिएंसीज, कंट्रोल्स भी बताओ। लिस्ट टेस्ट ऑफ कंट्रोल द आइटम ऑफ SHW टू परफॉर्म टू असेस, लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो तब परफॉर्म करते हैं जब कंट्रोल स्ट्रांग हो, तो ये भी हाँ। उसने आगे लिखा है एज्यूम कीजिए इफ द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ये एज्यूम करते हुए कि जो आपने सजेशंस दी है वो मान ली गई है। स्टार्ट करें जी। कह रहा है शाइनी हैप्पी विंडोज कंपनी SHW इज ए विंडो क्लीनिंग कंपनी, कस्टमर्स विंडोज आर क्लीन्ड मंथली, द विंडो क्लीनर देन पोस्ट ए स्टैम्प एड्रेस्ड इन वैल्यू फॉर पेमेंट थ्रू कस्टमर फ्रंट डोर, है उनके शीशे वगैरह साफ करके जो भी महीने का बिल होता है। क्या गलत कर रहा है? क्या बिल नहीं देना चाहिए उसे? महीने बाद ही बिल देना चाहिए क्या? बिल दे रहा है, सही कर रहा है। अरे क्या बैंक में जाके बिल दे, ठीक कर रहा है। बिजली का बिल ऐसे ही आता है हमारे घरों में, ऐसे हम फेंक के चला जाता है, सारा महीना बिजली सप्लाई करते हैं, मंथ एंड में फेंक के चले जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो अभी सिस्टम उसने बताया नहीं कैश का, इसमें कैश आया कहाँ, कैश कहाँ से आया इसमें? कैश सिस्टम के ऊपर हमने कमेंट करना है ना, इसमें तो अभी कैश सिस्टम का जिक्र ही नहीं है। अभी सिस्टम शुरू नहीं हुआ, वीकनेस पहले आइडेंटिफाई करके बैठ गए। SHW हैज ए लार्ज नंबर ऑफ रिसीवेबल बैलेंसेस एंड दीज कस्टमर्स पे बाय चेक आर कैश,
विच इज रिसीव्ड इन द स्टैम्प्ड एड्रेस एनवेलप्स इन द पोस्ट, पोस्ट के जरिए से कैश रिसीव हो रहा है, पोस्ट के जरिए से कैश। तो यहाँ पे क्या भी, अच्छा अभी पहले पूरा सिस्टम देख लेते हैं। द फॉलोइंग प्रोसीजर अप्लाई टू द कैश रिसीव्ड साइकिल। पहला, ए जूनियर क्लर्क फ्रॉम द अकाउंट्स डिपार्टमेंट ओपन्स द पोस्ट एंड इफ एनी चेक आर कैश हैव बीन सेंड शी रिकॉर्ड्स द रिसीट्स इन द कैश रिसीव्ड लॉग एंड देन प्लेसेस ऑल द मनी इनटू द लॉग्ड स्मॉल कैश बॉक्स। क्या पर्स में ना डाले? अच्छा ये पर्स है, ये हाँ लॉक्ड बॉक्स है लेकिन इसे स्मॉल नहीं होना चाहिए, ये वीकनेस है। एक और भी वीकनेस है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन ऑब्जर्व कर रहा हो कैश ओपनिंग मेल ओपनिंग प्रोसेस को, लिस्ट भी हो रहा हो। अच्छा अगर एक इंडिपेंडेंट पर्सन ऑब्जर्व कर रहा होगा तो आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? ऑब्जर्व, आई टेस्ट शैल ऑब्जर्व वेदर एन इंडिपेंडेंट पर्सन इज मॉनिटरिंग कैश ओपनिंग प्रोसेस। तो पहले वाले में दो 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 वीकनेसेस आ गई, एक तो ये कि कैश ओपनिंग के ऊपर और रिकॉर्डिंग के ऊपर एक ही पर्सन है और दूसरा उसे स्मॉल बॉक्स में इंक्लूड किया जा रहा है। सेकंड, द कंटेंट्स ऑफ द कैश बॉक्स आर काउंटेड ईच डे एंड एवरी फ्यू डेज दीज सम्स आर बैंक बाय विच एवर मेंबर है By whichever member of the finance team is available. एक तो डेली बैंक करना चाहिए और दूसरा रिस्ट्रिक्टेड एम्प्लॉइज को हैंड ओवर करना चाहिए। अच्छा डेली बैंकिंग हो रही है, इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? डिपॉजिट स्लिप चेक करेगा, ऑर्डर शैल सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ डिपॉजिट स्लिप एंड चेक डेट्स। अगर डेट्स डिपॉजिट स्लिप की डेट्स में गैप आ रहा है तो फिर इसका मतलब है दरमियान में डेली डिपॉजिट नहीं हो रहा। इसमें भी दो वीकनेसेस आ गई, एक किसी भी बंदे को पकड़ के कहते थे कैश जमा करवाओ और दूसरा कैश कुछ दिन के बाद डेली बेसिस पे डिपॉजिट होना चाहिए। थर्ड, यूजुअली ऑन ए मंथली बेसिस द कैशियर परफॉर्म्स ए बैंक रिकंसिलिएशन विच ही देन फाइल्स, इफ ही मिसेस ए मंथ देन ही कैचेस दिस अप इन द फॉलोइंग मंथ्स रिकंसिलिएशन। मंथली रिकंसिलिएशन बननी चाहिए, क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल होगा? बीआरएस का सैंपल सेलेक्ट करके चेक करेंगे प्रिपरेशन। और इसमें एक और कंट्रोल है, इंडिपेंडेंट पर्सन रीचेक करे रिकंसिलिएशन को जो मिसिंग था। इसमें मिसिंग कंट्रोल्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, इसी वजह से भाई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर हो तो वो किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को चेक करनी चाहिए कि नहीं, सही बनाई है? करनी चाहिए, वो नहीं कह रहा, नहीं बता रहा, ठीक है। वैसे तो हमारा केस स्टडी का सूर होता है कि गिवन फैक्ट से बाहर नहीं जाते, लेकिन देखिए कुछ कंट्रोल्स इतने अहम होते हैं कि खुद से अंदर से आवाज आती है, नहीं ये कंट्रोल इधर होना चाहिए था, नहीं लिखा तो वीकनेस होगी। जैसे स्टॉक में ऑब्सोलीट इन्वेंट्री, जैसे परचेज करते हुए क्वालिटी की इंस्पेक्शन, जैसे कोई रिकंसिलिएशन बनाए इंडिपेंडेंट पर्सन, कोई स्टॉक चेकिंग करने आए वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वेयर हाउस मैनेजर तो स्टॉक काउंट नहीं ना करना चाहिए, क्या कर लेगा? अच्छा रोक, ठीक। चलिए 17 ए भाई क्लियर, ये इसमें उसने तीन पूछे थे लेकिन आपने देखा 5-6 दिए हैं उसने, ऐसी थी का ना। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वीकनेस, ये भाई की फरमाइश में था, आइडेंटिफाई वीकनेस इन दिस सिस्टम डिस्क्राइब्ड अबव एंड फॉर ईच वीकनेस एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस दैट कुड रिजल्ट फ्रॉम इट। सजेशन नहीं पूछ रहा, कॉन्सिक्वेंसेस पूछ रहा है। ये वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन 25 है, क्या बताना क्या था?
कॉन्सिक्वेंसेस, क्या बताना था, और रिकमेंडेशंस, कौन सी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, यस ही बात आई थी. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ द फिक्स एसेट्स ऑफ बी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड, कहते हैं फिक्स एसेट की केस स्टडी अभी तक हमने क्लास में नहीं की थी ना, तो आप अगर घर जाके करते तो परेशान हो जाते हुए सर ने कर. अच्छा कर चुके हैं ये आप, यानी परेशान हो चुके हैं, ठीक है. फ्रॉम योर डिस्कशन विद द फाइनेंस, फाइनेंस डायरेक्टर कौन होता है, CFO के डायरेक्टर, CFO. यू असर्टेन दैट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट इज प्रिपेयर्ड एनुअली, बजट का प्रिपेयर होना गुड कंट्रोल है कि नहीं, कंट्रोल है, बजट का प्रिपेयर कंट्रोल है, कॉस्ट काउंटिंग में पढ़ते हैं ना, बजट का प्रिपेयर है, क्योंकि बाद में कंपेयर किया जाता है, ओ भाई बजट इतना था ज्यादा खर्चा क्यों कर लिया है, क्यों क्यों किया इतना खर्चा. आगे प्रिपेयर डिपार्टमेंटल मैनेजर कैन, ये अच्छा कंट्रोल है, तो हमने गुड कंट्रोल वीक कंट्रोल बताया, ठीक है ठीक है ठीक है. डिपार्टमेंटल मैनेजर कैन ऑथोराइज कैपिटल एक्सपेंडिचर अप टू 5000 एज लॉन्ग एज इट इज इन देयर बजट, जो टोटल बजट अप्रूव हुआ ना, अगर अभी उसमें गुंजाइश है तो वो 5000 तक जितने भी 5000 तक जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हमको अप्रूव, डिपार्टमेंटल हेड 5000 तक जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है उनको अप्रूव कर सकता है. क्या मतलब, क्यों वीकनेस है, डिपार्टमेंटल मैनेजर को नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, लिमिट है 5000, उसकी लिमिट ही है, 5000 से ऊपर जाएगा तो आगे कह रहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे, बोर्ड अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर अमाउंट्स अबव दिस थ्रेशोल्ड बट द मैनेजिंग. अच्छा ये भी अच्छा कंट्रोल है, एक तो बजट बन रहा था वो अच्छा कंट्रोल है, और फिर उन्होंने अथॉरिटी लिमिट प्रेस्क्राइब कर दी, उस अथॉरिटी जो उस अमाउंट से ज्यादा अगर हो खर्चा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करे, ये भी गुड कंट्रोल है. अच्छा ठीक है ठीक, नहीं अप टू है, एक्सेडिंग नहीं है, 5000 तक की अप्रूवल डिपार्टमेंटल मैनेजर कर रहा है, ऊपर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं. पांच हजार से नीचे वालों के डायरेक्टर से अप्रूवल नहीं ले रहे, उन्हें चाय भी मंगवानी हो ना तो वो डायरेक्टर से अप्रूवल लेनी चाहिए, उन्हें डायरेक्टर इसी काम के लिए तो बैठे हैं. डायरेक्टर क्या है यार, 5000 से नीचे डिपार्टमेंटल मैनेजर की यार कोई हैसियत ही नहीं, 5000 तो उसे अप्रूव करने दो, कोई अप्रूवल हो रही है ना, उसने ये थोड़ी कहा अप्रूव्ड बाय क्लर्क, और डिपार्टमेंटल मैनेजर है बैठा, किसी कोने में रो रहा होगा आपकी बात सुन के, मैं 5000 की अप्रूवल नहीं मेरे को दी, 5000 की अप्रूवल उस पर राजी नहीं हो, बोर्ड अप्रूवल कह रहे आगे बता रहे कह रहे इस थ्रेशोल्ड से ज्यादा की बोर्ड अप्रूवल रिक्वायर्ड है, कम की रिक्वायर्ड, इसका मतलब उनकी पॉलिसी ये है कि 5000 से ऊपर की अप्रूवल रिक्वायर्ड है. बट द मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर किसे कहते हैं, CEO को, हु इज ऑल्सो द मेजर शेयर होल्डर इन द कंपनी, डज नॉट ऑलवेज एडहेयर टू दिस पॉलिसी, वो यानी वो अप्रूवल नहीं लेता, मैनेजमेंट ओवर राइड ऑफ कंट्रोल. तो ये वीकनेस आ गई कि 5000 से ऊपर की जो CEO अप्रूवल नहीं ले, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, दो नंबर एसेट बाय हो सकते हैं, जरूरत ही नहीं एसेट बाय हो रहे हैं, रजूल बिल्कुल. ही ऑफन कमिट्स द कंपनी टू एक्वायरिंग एसेट्स विदाउट कंसीडरिंग हाउ दे आर टू बी फाइनेंस, लीविंग द फाइनेंस डायरेक्टर टू अरेंज, यानी वो अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस को कंसिडर ही नहीं करता, उसके बगैर ही एसेट्स, यानी एक तो वीकनेस ये होगी ना कि वो अप्रूवल नहीं लेता, और दूसरा वो अवेलेबिलिटी ऑफ कैश भी नहीं देखता, तो कैश नहीं है लेकिन फिर भी एसेट खरीद लिया, बाद में लोन लेना पड़ता है उसको रीपे करने के लिए,
तो इसमें क्या होगा कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन पुअर होती जाएगी। अगर आप बगैर फाइनेंस को चेक किए एसेट्स खरीदते जाएंगे, कैश है कि नहीं चेक किए बगैर एसेट खरीदते जाएंगे, तो फिर क्या होगा, अनकरीब ही बैंक भी आपको लोन देना बंद कर देंगे, ज्यादा लोन लेना शुरू कर देना। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड, यानी रिक्विजिशन फॉर्म प्रपोजल रिक्विजिशन फॉर्म होने चाहिए, बट दिस इज नॉट ऑलवेज डन, पर्टिकुलरली व्हेन आइटम्स आर रिक्वायर्ड इन एमरजेंसी। हर केस में होना चाहिए रिक्विजिशन फॉर्म, एंड देयर इज नो फॉर्मल पॉलिसी इंस्पेक्टर फॉर ऑब्टेनिंग कोड्स फॉर मेजर कोड्स जरूर होने चाहिए। कोटेशन के बगैर तो आप ये पता ही नहीं चला सकते कि रीजनेबल रेट था कि नहीं था, विद गुड नहीं, गुड क्वालिटी का ताल्लुक इंस्पेक्शन से है, कोटेशन का ताल्लुक है कि मिनिमम प्राइस हो जो 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 आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। सही कह रहे हैं, रिक्वायरमेंट के मुताबिक, लेकिन कोटेशन असल में ये इंश्योर करती है कि रिक्वायर्ड प्रेस्क्रिप्शन की चीज ही मिनिमम रेट पे मिले हमें। देर इज ए फी, तो कितनी कितनी प्रॉब्लम होगी, नहीं 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 वीकनेसेस बतानी है, एक वो अप्रूवल नहीं ले रहा 5,000 से ऊपर की अप्रूवल, दूसरा कैश बैलेंस कंफर्म किए बगैर एसेट्स बाय कर लिए जाते, अप्रूवल फॉर्म में फिल किया जाता, कोटेशन निकाल की जाती, चार हो गए। देयर इज अ फिक्स्ड एसेट रजिस्टर व्हिच इज रिकंसाइल्ड टू द नॉमिनल लेजर ऑन अ मंथली बेसिस, नो अदर चेकिंग प्रोसीजर इन्वॉल्विंग द फिक्स्ड एसेट रजिस्टर अंडरटेकिंग। कहता है फिक्स्ड एसेट रजिस्टर को सिर्फ टी अकाउंट के साथ मैच कर लिया जाता है और कुछ भी नहीं किया जाता, तो और क्या करना था, रिकंसिलिएशन कह रहे कर तो रहे हैं, फिक्स एसेट रजिस्टर को जीएल के साथ मैच कर तो रहे हैं, और फिक्स एसेट रजिस्टर पे क्या करना है, एजिंग एनालिसिस करने हैं, फिजिकल, हाँ फिजिकल वैरी, उसे फिजिकल एसेट्स के साथ भी तो रिकंसाइल करना है ताकि पता चले जितने रिकॉर्ड हुए हैं फिजिकली उतने ही मौजूद भी हैं। हाँ फिक्स एसेट रजिस्टर में ये भी देख सकते हैं कि इसमें रेवेन्यू आइटम्स तो नहीं है, क्योंकि उसने कहा और कोई प्रोसीजर फिक्स एसेट रजिस्टर पे परफॉर्म नहीं हो रहे, इसका मतलब फिक्स एसेट रजिस्टर पे जितने भी प्रोसीजर इनके अलावा परफॉर्म हो सकते हैं वो आप लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं। क्लियर जी, आखिरी क्वेश्चन है, ये करके भेजना है आपको। चले मेरे कहने पे आप इतवार को भी आ जाया करते होते हैं ना, तो इसे हाँ रिस्क असेसमेंट अब है लाइन पे। अच्छा नहीं ये बातों बातों में 5 मिनट में डिस्कस हो जाना, आइडेंटिफाई 6 टेंस, हाँ और कल याद करवाना, चाहिए नहीं हमने 2-3 दिन हो गया चाहिए नहीं भी, आपने याद भी नहीं करवाया, ऐसे ना किया करें, नहीं नहीं कल 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 आज नहीं चाहिए, इतनी जल्दी नहीं चाहिए, नहीं नहीं हाँ कल प्राइस भी इंशाल्लाह। आइडेंटिफाई 6 स्ट्रेंथ्स इन लेदम्स इंटरनल कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड एक्सप्लेन व्हाई दे मे रिड्यूस कंट्रोल। इसमें क्या ढूंढना है, पिछले क्वेश्चन में उसमें क्या, पिछला भी सिमिलैरिटी क्या थी, पिछले क्वेश्चन में इसमें सिमिलैरिटी क्या थी, वो भी नॉन करंट फिक्स एसेट है, ये भी फिक्स एसेट है, फर्क क्या है, उसमें वीकनेसेस थी इसमें गुड कंट्रोल, और बताना है कि इनसे कैसे रिड्यूस होगा। लिथियम कंपनी इज ए लार्ज इंजीनियरिंग कंपनी विद 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थ्रू आउट द कंट्री इन विच इट इज लोकेटेड। फिक्स एसेट से रिलेटेड कोई सिस्टम है डिस्कस हुआ, तो इसमें कोई वीकनेस स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि क्यों नहीं करेंगे, और सिस्टम ही नहीं अभी उसने बताया कुछ। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैपिटल इंटेंसिव एंड द कंपनी होल्ड्स ए वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। कोई इशू है, कोई इशू नहीं, अभी सिस्टम बताया ही नहीं,
कह रहा है फाइनेंस डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड नॉन करंट एसेट बजट एनुअली विच इज बेस्ड ऑन ए 5-year बजट अप्रूव्ड बाय द होल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आफ्टर कंसल्टेशन विद द ऑडिट कमेटी। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात, बजट भी बना रहा है और ऑडिट कमेटी से कंसल्ट भी कर रहा है, अच्छा है ना। इसका फायदा क्या होगा, गैर जरूरी परचेजिंग नहीं होगी, बजट बनाने का यह फायदा होता है, गैर जरूरी परचेजिंग नहीं होगी। दिस एनुअल बजट विच इज ऑल्सो अप्रूव्ड बाय द फुल बोर्ड इज हेल्ड ऑन कंप्यूटर फाइल एंड इज द अथॉरिटी फॉर द इश्यू ऑफ ए परचेज ऑर्डर। ये कंप्यूटर पे फाइल पे रखा जाता है और एक इसे परचेज ऑर्डर के लिए अथॉरिटी के तौर पे कि परचेज जब भी करना है देख लिया जाता है बजट में है कि नहीं। इसका मतलब है हमें इनडायरेक्टली ये बता रहा है परचेज करने से पहले बजट देखा जाता है इसमें कुशन है कि नहीं, यानी जैसे जैसे परचेज करते जाए बजट यूटिलाइज होता जाता है ना, तो जब एक्चुअल परचेज बजट के बराबर हो जाएगी, इसका मतलब है परचेज करने से पहले बजट के साथ कंपेयर किया जा रहा है ये गुड है कि नहीं, गुड है। ये भी आपको एक्सेस परचेजिंग से रोकेगा। तो दो कंट्रोल हो गए, दोनों वैसे मिलते जुलते हैं कि परचेज करने से पहले हम बजट के साथ, बजट बन रहा है एक में कह रहा है बजट बन रहा है ये अच्छी चीज है, दूसरे में कह रहा है परचेज करने से पहले उसके साथ चेक कर रहे हैं ये भी अच्छी चीज है। When the item of plant and equipment is delivered to the company, a pre-numbered goods sheet note is prepared, a copy of which is sent to the accounting department and used to update non-current asset budget to reflect the movement. वाह 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 वाह। अब भाई हर परचेज पे goods sheet, pre-numbered goods sheet note generate हो रहा है, तो ये अच्छा है ना। एक तो गुड सीट नोट जनरेट हो रहा है हर परचेज, वो प्री नंबर भी है, प्री नंबर भी है। इसका क्या फायदा होगा, प्री नंबर टाइमली एंड एक्यूरेट एंट्री में कोई ओमिट नहीं होगी, ठीक है। फिक्स एस रजिस्टर टाइमली एक्यूरेटली और कंप्लीटली अपडेट होता रहेगा। जब चीजें प्री नंबर होती है डॉक्यूमेंट तो फिर ट्रांजैक्शन उमेड नहीं हुआ कर, तो इसमें असल असल कंट्रोल क्या है, अच्छे वाला प्री नंबर्ड जीआरएन प्रिपेयर किया जा रहा है और फिर उसकी बेस पे नॉन करंट एसेट्स को अपडेट भी किया जा रहा है। यानी एक तो प्री नंबर्ड जीआरएन बन रहा है और दूसरा हमारा नॉन करंट एसेट्स रजिस्टर भी अपडेट हो रहा है। वो याद है डिस्पोजल और परचेजिंग के सबसेंडिंग प्रोसीजर में भी पढ़ा था कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन फ्रॉम फिक्स्ड रजिस्टर टाइमली होनी चाहिए, टाइमली नहीं है तो डेप्रिसिएशन गलत हो जाएगी आपकी। फिर क्या कह रहा है, इक्विपमेंट इज केयरफुली इंस्पेक्टेड बाय प्रोडक्शन पर्सोनल एंड टेस्टेड फॉर प्रॉपर ऑपरेशंस। वाह, ये एक दो दिन पहले मुझे याद है किसी बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर जब एसेट्स रिसीव होंगे, फिक्स एसेट रिसीव होंगे उनकी भी इंस्पेक्शन नहीं होगी, होगी हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन वो नॉर्मली जब हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं फौरन पता चल जाता है। अच्छा कंट्रोल है कि नहीं, क्या अच्छा है इंस्पेक्शन, क्या अच्छा है कंपनी अच्छी है, ये अच्छा अच्छा है, उसकी तरफ क्यों देख रहा है, सिस्टम में बताओ क्या अच्छा है सर। वो एसेट्स आ रहे हैं उनको टेस्ट कर रहा है, इंस्पेक्ट कर रहा है, ठीक कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये भी गुड कंट्रोल है कि नहीं। इसका क्या फायदा होगा, हाँ कि जो खराब फिक्स एसेट्स होंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फौरन वापस भेज देंगे। An operational certificate is prepared by the production department and this is used by the accounting department together with GRN to check against a purchase invoice when it is received. आपको समझ नहीं लगती इसमें कंट्रोल क्या बता रहा है, कह रहे कंप्लीट ऑडिट ट्रेल अवेलेबल है हमारे पास, हर चीज का सारा रिकॉर्ड है, परचेज इनवाइस भी है, प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट भी है, गुड सीड नोट भी है और एसेट तो फिजिकली आ ही चुका है।
कंप्लीट ऑडिट ट्रेल मौजूद है, इससे हमें फेक ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करने में हेल्प मिलेगी। फिर एट द सेम टाइम एज द परचेज इनवाइस एंटर्स द परचेजिंग सिस्टम ए कंप्यूटराइज्ड नॉन करंट एसेट रजिस्टर इज अपडेटेड। ये तो हमने पहले बता नहीं दिया कि टाइमली अपडेशन हो रही है, इसको मेरा हालत दोबारा नहीं डिस्कस करना चाहिए, है ना। तो कंप्यूटराइज्ड होना या देखिए चीजें मेंटेन होनी चाहिए, वो कंप्यूटराइज्ड भी ठीक है, मैनुअल भी ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि एक कंट्रोल अगर मैनुअली परफॉर्म हो रहा है और एक कंट्रोल तो कंप्यूटराइज वाला ठीक है और मैनुअली गलत है, नहीं। तो ये एफिशिएंट है ज्यादा, ये कह सकते हैं। एक्सेस टू द नॉन करंट एसेट रजिस्टर इज रिस्ट्रिक्टेड टू पर्सनल इन द काउंटिंग डिपार्टमेंट, ये है अच्छा कंट्रोल। एक्सेस रजिस्ट्रेशन ताकि अनऑथराइज्ड पर्सन ना के उसमें चेंजेस ना कर सके, ये ना इधर फिक्स एसेट रजिस्टर में से फिक्स एसेट उड़ा दे और उधर से उठा के घर ले जाए, किसी को पता ही ना चले। अगर अगर उठा के वैसे घर ले जाएगा तो फिर हमें पता चल जाएगा कैसे, रजिस्टर के साथ जब फिजिकली मैच करेंगे पता चले वो ये तो फिक्स एसेट रजिस्टर लिखा होगा हमारे पास बुक में, फिजिकली है ही नहीं, कहां गया, इन्वेस्टिगेशन करो, अभी परसों तो था आज गायब हो गया है, चलो पिछले दो दिन की सीसीटीवी चेक करो, पकड़ा गया। ठीक है ना, एक्सेस रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। किस पे एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है? हाँ फिक्स एसेट रजिस्टर पे, फिक्स एसेट पे नहीं, फिक्स एसेट रजिस्टर पे। यूजिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर इन द रजिस्टर एंड परमानेंटली मार्क्ड ऑन टू ईच आइटम इन द फैक्ट्री, कोडिंग ऑफ फिक्स एसेट बताया था ना, कोडिंग ऑफ फिक्स एसेट क्या है, तो ये हर एसेट के ऊपर ये कोडिंग करने का क्या फायदा होता है पता चल जाता है, अपने एसेट की पहचान रहती है, ये वो एसेट है जो खून पसीने की कमाई से खरीदा गया है शेयर होल्डर की। इतने अच्छे कंट्रोल पाकिस्तानी कंपनी के हो सकते हैं, खुद बताएंगे। हाँ चलिए अब आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। कोई नहीं लीजिए, असाइनमेंट कल आपने करके लानी है, असाइनमेंट कल आपकी चेक होगी हमारा। जी पूछिए क्या रिक्वायरमेंट के सेकंड पार्ट में कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई दे में रिड्यूस कंट्रोल रिस्क। तो अगर हम डिस्कस करते रहे हैं कि जो भी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है वो क्यों रिस्क को कम कर रहा है, जैसे कोडिंग में हमने कहा, क्या कहा आपने, कि अपने एसेट पहचानने में आसानी होगी, ठीक है। अब बजट में हमने ये सीखा कि अनऑथोराइज्ड या अननेसेसरी परचेजेस करने से बच जाएंगे। चलिए आज का लेक्चर, ये हमारे क्वेश्चन भी हो गए, सारा जो प्लान किया था, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से टेस्ट कर सकता है वो भी बता दिया, मेथड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बता दिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी तीनों डिस्कस कर लीजिए, वॉल्यूम वन का 17A और वॉल्यूम टू का क्वेश्चन 25 और 26। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।